जय माता दी। सतीश, सुधीर, रोशन, नवल, अनिल एंड नवल साथ में पीछे घोड़ा खड़ा है जो इधर से देख लेना, कोई रहना चाहे रास्ते में। और ये मैं, अरे घोड़ा ये चोबू ये घोड़ू ये चोबू। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं सालासर की ट्रिप से आया सुबह आज, और अभी मेरी दूसरी ट्रिप है वैष्णो देवी के लिए, जो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ बचपन में पढ़ते थे, पर बहुत प्यारे हैं। सबसे आपको मिलवाऊंगा और बहुत फन होने वाला इस ट्रिप पे। अभी चलते हैं। ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, 5:30 की ट्रेन है, मैं घर से अभी तक निकला भी नहीं हूँ। तो जल्दी मिलता हूँ आपको ऑन द वे और दिखाता हूँ क्या क्या होता है, और वहाँ पर सब कमीनों से मिलवाऊँगा आपको, और उन सबसे मिलेगा और मज़े कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी। ऑटो हमारा आ गया है। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए। टैक्सी बुक करी थी, बेवकूफ़ ने कैंसिल कर दी, तो ऑटो हमने रोक लिया है। तो ऑटो से निकलते जल्दी से और रस्ते में आपसे बात करते हैं। दिख रहा हूँ मैं, और ये अभी छोड़ने आया मुझे। वो कहते हैं ना जाते चोर की लंगोटी सही। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, तो ऑटो रस्ते जा रहा था, हमने ऑटो को रोक लिया। ऑटो हमें छोड़ने जा रहा है नई दिल्ली स्टेशन पहाड़गंज की तरफ। वहाँ से हमारी ट्रेन है सीधी कटरा के लिए, और वहाँ पर सारे दोस्त वेट कर रहे हैं, और उनके फ़ोन भी आ चुके हैं और बहुत गालियाँ भी निकाल रहे हैं कि भाई तू लेट हो गया। पता नहीं ट्रेन पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, कोशिश करते हैं, नहीं पकड़ पाए तो दूसरी ट्रेन में कूद के उनके पीछे भी पकड़ लेंगे। मैं भैया को बार बार बोलो भैया थोड़ा तेज़ चलाओ, भैया थोड़ा सा और तेज़ चलाओ, उड़ा लो गाड़ी को, ठंडों को भगाओ आज। तो भैया थोड़ा कोशिश कर रहे हैं भगाने की। एक्चुअली दिल्ली का ट्रैफिक जो है बहुत 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 महंगा रहा है, तो ट्रैफिक इस ट्रैफिक क्या कर सकते हैं। जल्दी से बहुत से स्टेशन फिर आपको ट्रेन में मिलने सीधा या प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। हम काफ़ी लेट हो गए हैं, पता नहीं ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी। वो सोचो मेरे साथ मोटे आदमी से भागना पड़ रहा है, मेरा क्या हाल होगा। आपको दिखाते हैं आगे, उम्मीद करता हूँ ट्रेन नहीं निकली होगी। अरे साइड भैया, साइड 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 बिल्कुल। ये सब सारे चोहू बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो ये सब चोहू, ये देखो ये रहे। ये सुधीर जो झांसी से आया था, ये सबसे पहले कमला मार्केट क्या करने गया था, ये कौन ये हमारे ये वाले ये, हाँ। ये बोला कि अंडरवियर छूट गया, बिना अंडरवियर के आया हूँ। मेरे को मैंने कहा था अंडरवियर यहाँ कौन सा ऐसा है भैया इधर नहीं मिल सकता, तो बोला कि नहीं मेरे को तो कमला मार्केट स्पेशल दुकान है। अच्छा H2 कौन सा है? बोला कि H2 है। अच्छा फिर H2 से मुझे अंडरवियर लेना है। अच्छा। मैंने कहा फिर जा तू ऐसे ही, और वहाँ गया अंडरवियर लेकर, मेरे यहाँ सारा अपने इतना भारी बक्सा छोड़ गया। और मैं दोनों ढोके लेके आया, इसके चक्कर में फैल गया ये, क्योंकि अब आना है तो भैया तो ये नंगा रहता, मैं रहता घर पे, दोस्तों निभानी पड़ेगी। हाँ, तो फिर उस चक्कर में इसका भी उठा लाया, खुद भी भागम भागी करता हुआ, कैसे भी मैंने भी ट्रेन पकड़ी, और ये फिर अंडरवियर लेके आया। और ये जो है पता नहीं कहाँ उधर कमला मार्केट में घूमता हुआ, और भी कपड़े वपड़े लेके, लगता है जैकेट लिया खाना भी रखा हुआ। तो बताना कछा ला नहीं ला रही है। मार्केट की बहुत हालत खराब है। अच्छा। मार्केट घूम के आया, मार्केट में कहीं भी कोई रस नहीं। अच्छा। जहाँ पैर रखने को कदम जगह नहीं होती थी। पूरे रस से बोलेगा ये, पूरे रस से बोलेगा ये। मार्केट में बड़ी मंदी है, जहाँ पैर रखने को कदम नहीं हुआ करती थी वहाँ खाली पड़ा हुआ था। अच्छा। किसी के पास कोई कलेक्शन नहीं था। तो क्या था, तूने कदम कहाँ कहाँ रखे थे कि इस पर जाके फिर वहीं रख रहा था, कह रहा जगह नहीं। तो जो है कलम जाके, अब हमारे जो कलम रोशन जी जाके चेक करेंगे कहाँ कहाँ रखेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो हमने इसकी अभी पोल खोली है, ये खुद समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अपनी सिक्स सेंस खो चुका है, ठीक है, अब क्या बोलेगा सुनते रहो बस, इग्नोर करना बोल। हाँ, तो अब हमारे रोशन जी हमारे कदम ढूंढ के ले आएंगे, कहाँ कहाँ रखे थे। नहीं, क्या ढूंढ के लेंगे? कदम 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 कौन है, किसको छोड़ा है तू यहाँ पे? कदम को ये तो वो बोला जैसे कि क्या कहते हैं
पैरों के निशान निशान अरे नहीं नहीं भैया थोड़े मजे ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जब घर से निकला तो मैंने आपको सबसे बड़े चोमू से मिलवाऊंगा, ये सबसे बड़ा चोमू है। बिहार में गंद फैलाने के बाद ये ट्रेन में आ चुके हैं और ट्रेन में गंद फैलाने के बाद ही कटरा में जाएंगे। बस सुनते जाओ चोमू को, आप पूरे रस्ते का जो है ना क्या कहते हैं उसका टैगलाइन जो है वो चोमू है। मेरे साथ है ना, जब से मैं आया ना चोमू तो बैठा ही है। बगल में मेरा एक भाई बैठा हुआ है। अच्छा। जब से मैं आया तब से वो कुरकुरे ही खाया जा रहा है। वो बिहार में उसे कुरकुरे खत्म ही नहीं हो रहे। मैं सोच रहा कब खत्म हो, कब खत्म ही नहीं हो रहे। और जेब में लेके मैं इसके पास बेचने जाऊँ। इसकी कबाड़ी की दुकान है इसकी। और धीरे से बोल रहा कि उसका प्लास्टिक उठा ले, उसका प्लास्टिक उठा ले, ये बोल रहा भाई। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:30 बजे। 12:30 हम चाय के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं पर 20 से हमें कोई चाय नहीं मिली। और मेरे साथ सतीश, अनिल, पूरा नाम बोलो, अनिल मंडल, ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़ते थे और हम मिले हैं 20 साल बाद। हम एक साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं बहुत टाइम बाद और बहुत मज़ा आ रहा है। वो मज़ा मेरे हो सकता है मैं आपके लिए सुबह रिकॉर्ड करूँगा, अभी हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। तो सुबह मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या होता है। और स्पेशली जो चोमू आपको दिखा रहा है उसमें बड़ा मज़ा आता है उसके साथ और आपको खूब मज़े देगा वो। क्या मिलने वाला है? नहीं, और तू कह रहे क्या मिलने वाला है? दोबारा अवार्ड मिलने वाला है कि मतलब जो है आप कुछ और बोला था पहले अभी भी सदमे में ही है ना वो। उतर जाना आधे घंटे बाद, उतर जाना सबको, उतर जाएंगे फिर उतर जाएंगे जल्दी। ओ चाचा उतना नहीं है, स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई है, चोमू खड़ा हो जा। जय माता, जय माता। चोमू जल्दी से नीचे आओ, तुम लेट हो गए सबसे पहले। जैसे आप मेरी शक्ल देख रहे हैं आपको लग रहा होगा हम कटरा पहुंच चुके हैं और हमारे चोमू जी तैयार हो गए। बिल्कुल चोमू लग रहे हैं, देखिए। जाने जाने दो। ये देखो एक शक्ल दिखाना है, कौन है? क्या क्या भाई लग रहा है। ये अबे यही यादें रहेंगी, भूल जाओगे वैसे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सतीश, सुधीर, रोशन, नवल, अनिल एंड नवल साथ में घोड़ा खड़ा है जो देख लेना, कोई रहना चाहे रास्ते में। और ये मैं, और ये घोड़ा। ये चोमू, ये घोड़ू। ये चोमू और ये हमारी ट्रेन और ये कटरा का स्टेशन। मैं वैष्णो देवी काफ़ी 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 टाइम बाद आया हूँ, कम से कम नहीं तो 18 साल बाद। कटरा स्टेशन बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही स्वीट बना हुआ है। और थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ कटरा स्टेशन और फिर चलते हैं, होटल लेते हैं, रूम लेते हैं। एक ओवरव्यू था कटरा स्टेशन का और ये हम बाहर की तरफ निकलते हुए ठंडी 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 हो वो हमारे चोमू। मैं आपको ना अभी मंदिर जो भवन है, भवन तो नहीं दिख रहा लेकिन अर्धकुंवारी तक में भी जो वैष्णो देवी हम चढ़ाई चढ़ते हैं वो यहाँ से बिल्कुल दिखाई दे रही है। और आपको भी दिखाता हूँ,
ठंड बहुत लग रही है, आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। वहाँ से चले जब तू सो था, वो जो आप लाइटिंग वाले पहाड़ देख रहे हैं यही चढ़ाई है दरबार पे जाने के लिए। और दिखाते हैं। अरे कुछ फोटो ना ले रहे क्या? आज तक आ गए। अच्छा ये बताओ प्रोग्राम क्या? अभी सीधा चल बस स्टॉप। बस स्टॉप हाँ चल। ये भैया जिन्होंने चाय पिलाई है सुबह सुबह, जय माता दी। हमने टैक्सी ले ली है जो हमें यहाँ से होटल ले जाएगी। मतलब सबके सब लोग आ चुके हैं अंदर। अनिल की घीघी बंद हो चुकी है ठंड के मारे। शक्ल देखो बेचारे की, सूखा मुर्गा नहीं होता जैसे फड़फड़ा रहा होता है। हमें स्टेशन से होटल पहुंचने में सिर्फ गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगे। टैक्सी वाला नहीं पता है कि बहुत नज़दीक में है, पर पहुंच गए हैं। और मैं आपको होटल दिखाता हूँ, ये है अमर प्लेस। उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को जी, ऐसी बात है। मैं उठेगा, मैं कैसा लग रहा हूँ अभी? मैं उठाऊँ, मैंने मुंह नहीं धोया है। ये था मेरे रूम का ओवरव्यू जो हमने यहाँ पे होटल में लिया है। सो होटल पहुँचने के बाद अभी मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, माता रानी के दरबार में चढ़ते हुए। और मेरे साथ चोमू भी होंगे। ठीक है, मैं इसको प्यार से बोलता हूँ, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और बचपन से दोस्त है मेरा। वो बात अलग है, मैं इसकी बहुत खींचता हूँ और ये मेरी बहुत खींचता है। सो तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।